भाई यहाँ से इसका ये दरवाजा भी खुलता ताकि आप यहाँ पर बैठ के एक इतनी महंगी वाली भाई एम्बुलेंस चला सको। मतलब देख रहे हो इतने सायरन वगैरह भी इतने बढ़िया लगे पड़े जिसके अंदर इमेज चेंज होती है। और उसके आगे आपको लिखना है विराट कोहली एंड MS धोनी शाहरुख खान वाली वॉच, ताकि ये वाली वॉच जो है चमचमाती हुई आपको गिव अवे हो सके। अबे ये क्या मतलब इन्होंने गंतों में इतनी बड़ी दे दी, लेकिन इन्होंने भाई देख रहे हो बीबीसी इतने कम दिए। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बच्चों आप लोगों को दोबारा से बहुत बहुत वेलकम है। आज के स्लेटर काफी ज्यादा ताबड़तोड़ अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ स्नैक्स में, जो पहले आते थे भाई 10 रुपए का, लेकिन इनकी इतनी हैवी डिमांड होने की वजह से अब आते हैं मात्र 5 रुपए में, जिनमें निकलने वाले किसी में छोटे नाम तो किसी में निकलने वाले बड़े नाम, किसी में निकलने वाले सस्ते नाम तो किसी में निकलने वाले काफी ज्यादा वाले महंगे नाम। और आज एंड में नहीं बल्कि बीच में ही दे दिया जाएगा 15 लोगों को शॉर्ट आउट, जिनमें से किसी एक को नहीं दो को नहीं बल्कि 3 लोगों को मिलने वाला सैलो की तरफ से आने वाला कलर अप का पूरा सेट, जिसके अंदर आपको पूरी किट देखने के लिए मिलती है और साथ ही में एक इस तरीके की अटैची वाली ज्योमेट्री बॉक्स जो कि पूरी मेटल की होने वाली है, जिसके पहिए भी एकदम स्पिनर की तरह चलते हैं और इसके अंदर भाई डबल डबल स्पेस होता है और ये इस तरीके से लॉक भी होती है। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब बाजू में दिखे बेल आइकन को दबाकर आगे जितने भी लेटेस्ट जुड़े आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये आ गई हमारे हाथ में हमारी सीजर और सबसे पहले बारी आने वाली है हमारे मोटू पतलू के खजाने की, जो मात्र 5 रुपए में आता है। इसके अंदर 2000 रुपए के नोट से लेकर 50 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट से लेकर 500 रुपए का नोट, और इसके अंदर गोल्ड की चैन निकलती है, स्मार्ट वॉच, फाउंटेन पेन से लेकर जेल पेन तक सारी चीजें इसके अंदर निकल सकती है। तो हम इसके अंदर देखने वाले कि क्या हमारे इसके अंदर 2000 रुपए का पैसे निकलेंगे या फिर कोई हमारा बहुत बड़ा वाला इनाम निकलने वाला है। तो भाई इसको जो है फटाफट से हम यहाँ से अनबॉक्स कर देते हैं और ये जो है इस तरीके से कट गया और यहाँ से स्नैक्स भर भर के निकल रहे। तो देखने वाले इसी की जगह पे गिरा के कि इसके अंदर हमारा क्या निकला है। तो यहीं से हमें दिख रही है भाई बहुत सारी चीजें। सबसे पहले हमारा एक निकला है स्लैब बैंड, वो भी कैप्टन अमेरिका के, जिससे कि आप लाइन वगैरह भी काट सकते हो और साथ ही में जब आपका इसको पहनने का मन करे तब बस इसको लेना है और इस तरीके से स्लैप कर देना, ये आपके हाथ पे जो है ऑटोमेटिक बंद जाएगा कुछ इस तरीके से, और ये मेरे हाथ से ज्यादा आपके हाथ पे अच्छा लगने वाला है। तो अगर आपको ये पसंद है तो अपने नाम के आगे वॉल लिख देना और उसके आगे आपको लिखना है कैप्टन अमेरिका वाला स्लैब बैंड, ताकि ये वाला जो स्लैब बैंड आप लोगों को गिव अवे हो सके। अब इसके बाद हम देखने वाले हमारी एक और चीज जो की बाइक निकली है और ये काफी ज्यादा सॉलिड है। देखो इसने जो है ना अपने साइलेंसर के ऊपर भाई एक कुरकुरे को बिठा रखा है यानी कि स्नैक्स को ये भाई टायर की स्पीड तो बढ़ी गई जब यार घूमे जा रहा है, मतलब घूमे जा रहा है। आगे से भी ये देख सकते हो टायर वगैरह बहुत ही ज्यादा प्यारा है, इसको इस तरीके से भाई चला भी सकते हैं। ये एक मेटल वाली बाइक है यानी कि डाईकास्ट वाली बाइक है, जिसके ऊपर यामा R15 लिखा हुआ है, तो यानी कि ये R1 वाला मॉडल है जो बहुत ही ज्यादा तगड़ा हो गया। ज़ूम पी पी, और ये जो है ये देखो इस तरीके से टायर दबाते ना तो इसके अंदर म्यूजिक बजता है, इसके अंदर LED लाइट वगैरह जलती है, हॉर्न बज रहा है और यहाँ से लाइट ऐसे जल रही है जैसे कि इसकी डिस्प्ले हो और ये जो नीचे तो टायर दे रखे हैं ये इसके पुश बैक के काम आने वाले, मतलब पीछे खींचोगे तो ऑटोमेटिक ये आगे आती है। तो अगर आपको इस तरीके की भाई मेटल वाली डाईकास्ट वाली बाइक अच्छी लगती है तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे जो वाव लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है यामा R15 वाली मेटल की बाइक, ताकि ये वाली बाइक जो आप लोगों को गिव अवे हो सके। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले भाई हमारा दूसरा मोटू पतलू का खजाना, जिसके ऊपर जो है पैसे पैसे छपे, 10 रुपए, 200 रुपए, 2000 रुपए के नोट तक इसमें निकल सकते हैं। ये जो ब्लू वाला भी हमने खोला था, इसके अंदर तो भाई सोने की रिंग वगैरह भी निकलती है, RC कार वगैरह भी निकलती है, लेकिन इस वाले में देखेंगे ग्रीन वाले में कि इसमें क्या निकलने वाला है। शायद अगर हो सका तो इसके अंदर हमारे 2000 रुपए से लेके जो है 500 रुपए तक के नोट वगैरह निकल सकते हैं। तो भाई इसकी भी अनबॉक्सिंग हो चुकी है, इसी की खाली जगह पे हम इसको गिराने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसके अंदर हमारा क्या निकला। तो इसके ऊपर एक गाड़ी दिख रही है मुझे जो बहुत ही बढ़िया लग रही है, और ये देखो यहाँ पर भाई 3 सेल की जगह भी दे रखी है, यानी कि इसके अंदर 3 बैटरी भी लगी हुई है। ओ वाओ यार, ये तो एक एम्बुलेंस निकली, वो भी हमर वाली, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। और ये आप देखोगे ना तो ये पुल बैक वाली, यानी पीछे की तरफ जैसे आप खींचोकर छोड़ते हो तो इसके टायर गोली की तरह ऑटोमेटिक जाते हैं, और यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा व्हील देखने के लिए मिलता है, यानी कि अगर कभी इनकी हवा कम हो जाए या ये पंचर हो जाए आगे वाले तो इधर से जो है ना इसको खोल लेना है। देखो खुल भी रहा है, बट लेकिन आपको खोलने के लिए इसको पेचकस का यूज करना है, ताकि यहाँ से खोल के यहाँ लगा सको और ये खुलेगा। अरे वाह भाई, यहाँ से इसका ये दरवाजा भी खुलता है ताकि आप यहाँ पर बैठ के एक इतनी महंगी वाली भाई एम्बुलेंस चला सको। मतलब देख रहे हो इतने सायरन वगैरह भी इतने बढ़िया लगे पड़े हैं, मेटल की डाईकास्ट वाली गाड़ी ना इस वजह से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर एक गलती कर दी कि जो आगे की साइड में जो एम्बुलेंस लिखा होता है ना वो एक्चुअल में उल्टा लिखा होता है, ताकि सामने वाला जब अपनी गाड़ी के शीशे में देखे तो उसको सीधा दिखाई दे। तो ये वाले भाई इस वाले चीज में तो फेल होते हैं, लेकिन ये जो मेटल की डाईकास्ट गाड़ी है ये वाकई में बहुत अच्छी है और ये एकदम असली वाली एम्बुलेंस लग रही है। लेकिन ये वो वाली एम्बुलेंस लग रही है जो भाई बाहर कंट्री में चलते ना दुबई वगैरह में, क्योंकि उन्हीं के पास ऐसी ऐसी गाड़ियां होती है कि वो लोग हमर को भी, लैम्बोर्गिनी, फरारी को भी जो है एम्बुलेंस बना सकते हैं। तो भाई ये वाली गाड़ी अगर आपको पसंद है तो अपने नाम के आगे वाला लिख देना और उसके आगे आपको लिखना हमर वाली मेटल की एम्बुलेंस, ताकि ये वाली एम्बुलेंस वाली गाड़ी आपको गिव अवे हो सके। अब इसके बाद बारी आती है भाई हमारे नीले वाले की। पहले हमने नीले वाला देखा था, फिर हमने ग्रीन वाला देखा, अब उसके बाद
कार आती है हमारी ब्लू वाले की, इसके अंदर हमारी गोल्ड की रिंग निकल सकती है, आरसी कार निकल सकती है, मेटल वाली कार निकल सकती है, इसके अंदर 2000 रुपए तक हमारे निकल सकते हैं। लेकिन वो सब तो भाई तभी निकलेंगे ना जब हम इसको फटाफट से अनबॉक्स करेंगे, क्योंकि जब इसको काट लेंगे उसके बाद ही तो पता चलेगा कि इसमें एक्चुअल में हमारा क्या निकलने वाला। तो ये इसकी खाली जगह और इसको देखने वाले हम यहाँ पे। तो इसके अंदर जो मुझे एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन चीजें दिख रही है। भाई सबसे पहला जो एक स्टेपलर निकला है, अरे वाह कंगारू का भाई, इसके अंदर स्टेपलर निकला है और ये आप देख सकते हैं पूरा ऊपर ये मेटल का बना हुआ है, जिसके अंदर भाई पिन तो इन्होंने धो ही दिया भाई, चूना लगा दिया इन लोगों ने, चलता है ना? हाँ भाई चल तो रहा है, क्या बात है। तो ये अगर आपको पसंद है तो अपने नाम क्या के वो लिख देना, उसके आगे आपको लिखना स्टेपलर, ताकि ये वाला जो स्टेपलर है आपको गिव अवे हो सके, जो मेटल वाला, और ये बड़ा भी है यार, यानी कि आपकी कॉपी वगैरह में भी स्टेपल करने में काम आने वाला है। और दूसरी जो चीज है ये है एक स्पिनर, जो कि भाई मेटल का स्पिनर है, इसकी आवाज से ही आपको पता लग रहा होगा कि कितनी तेज चलता है, यानी कि गोली की तरह चलने वाला। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसको जो है 30 से 40 सेकंड तक अपनी एक फिंगर पे चला सकते हो, तो आपको अपना नाम लिखना, उसके आगे वाव लिख देना और उसके आगे आपको लिखना मेटल वाला स्पिनर, ताकि ये चमचमाता हुआ स्पिनर जो है आपको गिव अवे हो सके। और जो हमारी तीसरी चीज है ये कुछ ज्यादा खास सा लग रहा है, ये है भाई एक ग्लू स्टिक, क्या बात है। इसके अंदर देखो नीचे यहाँ पर एक कुरकुरा भी फंसा हुआ है, तो एक ग्लू स्टिक है इसके अंदर, है भी कहीं पता चले इन्होंने चूना लगा दिया, नहीं भाई पूरी ऊपर तक भरी हुई है। तो अगर आपको इस तरीके की भाई ग्लू स्टिक अच्छी लगती है, तो आपको अपने नाम के आगे वाव लिखना, उसके आगे लिख देना ग्लू स्टिक, ताकि ये वाली ग्लू स्टिक भी आपको गिव अवे हो जाए। और अब हम देखने वाले भाई हमारा दोबारा से एक बार फिर आने वाला भाई ग्रीन वाला मोटू पतलू का खजाना, इस बार 2000 रुपए या फिर 50 रुपए या फिर 500 रुपए, देखते हैं कि हमारे क्या निकलेंगे। वैसे अभी तक हमारा एक भी बार नहीं निकला, और आज पता भाई इतनी ताज्जुब की बात है कि आज हमारा पता एक नकली नोट भी नहीं निकला है। तो भाई मेरे को जो है बहुत ज्यादा गुस्सा रही है, यहाँ से हमें कुछ रेड रेड दिख रहा है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या निकलने वाला है। भाई मतलब गजब ही हो गया, हमें जो रेड रेड दिख रहा था वो था स्पाइडरमैन और ये सुपरमैन, मतलब कि भाई आयरन मैन, जिसकी गर्दन पूरी 360 डिग्री घूमती है, जिसके अंदर बटन दबाने से देखो लाल लाइट भी जलती है, और ये इधर की तरफ से बटन है, इसको कस के दबाना पड़ता है ताकि लाल लाइट जल सके, और ये जब ऐसे हाथ करता है तो करके जो भाई शक्ति निकाल सकता है, यानी कि आप भाई देख सकते हो मूवमेंट वाला एक्शन फिगर है, जिसके हाथ भी चल रहे हैं, जिसकी गर्दन 360 डिग्री घूमती है, जिसके हैंड और पैर के दोनों मूवमेंट काम करते हैं। अगर आपको भी आयरन मैन एक्शन फिगर पसंद है तो अपने नाम के आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना आयरन मैन, ताकि ये खड़ा होने वाला आयरन मैन आप लोगों को गिव अवे हो सके। और इसके बाद भाई हमारे को एक बैंड वगैरह भी दिख रहा है, और एक भाई डायल वगैरह सा भी कुछ दिख रहा है। तो ये अरे वाह गाइस, ये जो है इसको तो मैं जानता हूं, ये है एक प्रोजेक्टर वाली वॉच, जिसको की ना आपको इस तरीके से खोलना होता है, और यहां पर एक स्पेस बन जाता है, उसके बाद जैसे आप इसको ऐसे चलाओगे तो इसके अंदर बायोस्कोप की तरह ना इमेजेस चेंज होते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ इसको लेंस के पास लाके, भाई सब माइंड ब्लोइंग, कितना प्यारा लग रहा है हमारा स्पाइडरमैन तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो भाई इस तरीके से इमेजेस दिखते हो, जो फिल्म की तरह जाती है गड़गड़ करती हुई, और इसके अंदर आवाज भी आती है, यहाँ से आप टाइम वगैरह सेट कर सकते हो। इसके ऊपर आपको एक 3D जो है ना इमेज देखने के लिए मिलते हैं स्पाइडरमैन की, जिसको आप ऐसे ऐसे करके लाओगे ना तो ये चमकता भी, और यहाँ पर भाई स्पाइडरमैन की ब्रांडिंग देखने के लिए मिलती है। ये जो बेल्ट दे रखी है इसके ऊपर भी हमारा जो स्पाइडरमैन छपा हुआ है, यहाँ पर स्पाइडरमैन लिखा भी हुआ है, और ये आप देखोगे तो इन्होंने पूरा पैटर्न बना रखा है स्पाइडरमैन का। और एक बार जो इसको पहन के भी देखते हैं कि इसका लुक कैसा आने वाला है, तो ये आप देख सकते हो टैन टैन टन, तो वही ऐसा लग रहा है कि स्पाइडरमैन का असली वाला फैन मैं हूं। मतलब किसी पार्टी में पहन के जा सकते हैं, अपने दोस्त की पार्टी में पहन के जा सकते हैं, साथ ही में आप स्कूल वगैरह में पहन के जा सकते हैं, ये काफी ज्यादा कूल लग रहा है। और जो इसका फंक्शन है ना ये वाला, जिसके अंदर इमेज चेंज होती है, ये तो भाई साहब सही में लुकिंग लाइक का वाओ है। अगर आपको ये वाली वॉच पसंद आई है तो अपने नाम के आगे वाओ लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना प्रोजेक्टर वाली वॉच लुकिंग लाइक का वाओ, ताकि ये वाली जो है आपको वॉच गिव अवे हो सके। अब इसके बाद हम देखने वाले भाई हमारा खालो जी, जो कि राहुल नास्ता की तरफ से आता है, वो भी मात्र 5 रुपए में, जिसके ऊपर आप देख सकते हो फ्री गिफ्ट इनसाइड निकला, यानी कि ना हमारा कुछ ना कुछ तो पक्का फ्री गिफ्ट निकलने वाला है। और भाई आईपॉड तक छपा हुआ है 50 रुपए, आरसी कार, और भाई साहब ये देख रहे हो तो 20 रुपए भी छपे हुए हैं। तो हम देखने वाले हमारी आरसी कार निकलेगी, आईपॉड निकलेगा 50 रुपए निकलेगा, या फिर हमारे भाई साहब 20 रुपए निकलने वाले हैं। तो फटाफट से जो है ना हम इसकी पैकिंग को खोलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आज इसके अंदर हमारा क्या निकलने वाला है। तो इसको हमने खोल दिया भाई, कचरी निकली बहुत ही बढ़िया वाली, इसको गिराने वाले इसी की जगह पे, और भाई हो गया बड़ाई वाला धमाल, क्योंकि एक नहीं यहाँ पे दो दो चीजें दिख रही है। ओ वाओ ये देख रहे हो यार आप, इतनी तगड़ी लग रही है, इसके ऊपर स्पीड अप लिखा हुआ है, और ये भी एक अलॉय मॉडल है, यानी कि डाईकास्ट वाली गाड़ी है, जिसको मेटल की कार बोलते हैं। और ये आप आगे की ग्रिल देख के पहचान गए होंगे कि ये भाई फोर्ड की मस्टैंग गाड़ी, जो आप लोगों ने फास्ट एंड फ्यूरियस में भी देखी होगी, इसकी आपको टेल लाइट से पता चल रहा होगा, जो विंड डीजल चलाता है ना, इसलिए इन लोगों ने ट्रिपल एक्स भी लिख रखा है इसके ऊपर। तो अगर आपको इस तरीके की भाई सिडान कार अच्छी लगती है, रेसिंग वाली फोर्ड की मस्टैंग टाइप की, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है मस्टैंग वाली मेटल कार, ताकि ये वाली कार जो आप लोगों को गिव अवे हो सके, जो कि स्पीड अप के साथ आती है, और ये काफी ज्यादा अच्छी भी लग रही है। और जो दूसरी चीज हमारी निकली है वो है, अरे वाह भाई साहब इसको तो देखना पड़ेगा, कि ना ऐसे काम नहीं चलेगा, ये भाई एक ब्लू एंड व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन में आने वाली हमारी वाटर गेम। और अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर हमें एक टिप देखने के लिए मिल रही है रबड़ की, वो इसलिए कि अगर कभी इसके अंदर बुलबुले कम बने या इसके अंदर पानी कम हो जाता है, तो आप इस रबड़ को निकाल के इंजेक्शन से इसके अंदर पानी भर देना, ताकि जो है इसके अंदर पानी पूरा रहे और इसके अंदर बुलबुले भी सारे आ सके। इसके अंदर दो रिंग मिलती है और 5 सेकंड का ही चैलेंज होता है हर बार की तरह। तो 1 2 3 4 5
5। तो भाई 5 सेकंड के अंदर अंदर मेरा सिर्फ एक ही इसके अंदर रिंग आई है, यानी एक ही छल्ला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 5 सेकंड के अंदर अंदर इन दोनों को मिला के टोटल 2 छल्ले डाल सकते हो, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना है वाटर गेम चैलेंज एक्सेप्टेड, ताकि ये जो जो भाई वाटर गेम चैलेंज एक्सेप्ट करेगा उसको ये गिव अवे हो सके। और इसकी भाई बिल्ड क्वालिटी भी बहुत तगड़ी होने वाली है, जिसको आप अपनी जींस की पॉकेट में भी बड़े आराम से रख सकते हो। तो अब इसके बाद बारी आने वाली है हमारे भाई मोटू पतलू की, और ये हमारा मोटू पतलू खजाना भाई, देखो सीजर गिर गई, जिसको ये हमने इस बार उठा लिया है। और अब इसके अंदर देखने वाले कि इस बार क्या निकलने वाला, थोड़ा भाई फील तो हो रहा है कुछ भारी भारी सा, लेकिन मजा तो तभी आएगा ना जब इसके अंदर हमारे कुछ तगड़े ताले पैसे निकल जाए। अगर हमारे इसके अंदर 2000 रुपए का नोट निकल गया ना भाई साहब, आप दोनों के साथ हम बांटने वाले हैं, आपके और मेरे, हम दोनों के हो जाएंगे। तो भाई इसको देखने वाले यहीं पे गिरा के, माइंड ब्लोइंग भाई साहब, मुझे यहीं से दिख रहा है कि कुछ तगड़ा सा तो कुछ अपना निकला है। और ये देख सकते हो कि हमारी एक निकली है भाई वॉच, और देखो यहाँ पर एक चीज और दिख रही है, ओ वाह भाई 2 रुपए का जो है हमारा एक कॉइन भी निकला है, क्या बात है। इसके अंदर से इस वॉच को निकाल के देखने वाले, तो भाई पहली बात तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर भाई टिशॉर लिखा हुआ है, 1853 लिखा हुआ है, और ये जो मॉडल है ये आप जानते हो कि ये विराट कोहली, MS धोनी और ये शाहरुख खान ने काफी बार पहनी है। ये PRX वाली है, जो कि ना अंधेरे में भाई ये जलती है, क्योंकि ये जो कलर है ना ये नियॉन वाला कलर है, तो अगर आप इसको धूप में पहन के जाओगे ना तो ये भाई जितनी भी जो यूवी रेज होती है सूरज की, ये सारी की सारी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके बाद जब आप अंधेरे में आते हो तो ये ऑटोमेटिक चलने लग जाती है, और उसके बाद आपको भाई पता चल जाता है कि कितना टाइम हो रहा है। और इसका जो लॉक है ये देखो पूरा का पूरा मेटल का लॉक है, जो कि पूरा स्टेनलेस स्टील का, और इसको इस तरीके से बंद करना है, और इस तरीके से आप जो है अपना टाइम वगैरह बड़े आराम से देख सकते हो। तो अगर आपको भी इस तरीके की भाई स्टेनलेस स्टील की जो चैन वाली वॉच होती है, आपको भी अगर पट्टे की जगह चैन वाली वॉच पहनना बहुत अच्छा लगता है, विराट कोहली, शाहरुख खान, MS धोनी टाइप, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वॉल लिख देना, और उसके आगे आपको लिखना विराट कोहली एंड MS धोनी शाहरुख खान वाली वॉच, ताकि ये वाली वॉच जो है चमचमाती हुई आपको गिव अवे हो सके, ताकि आप किसी भी शादी पार्टी में पहन के बड़े आराम से जा सके। ये देख रहे हो इसकी चमक भाई बहुत ही ज्यादा गुड है, लेकिन ये ना मेरे से ज्यादा आपके ऊपर अच्छी लगने वाली है, तो अपने नाम के आगे वाव जरूर लिख देना। अब उसके बाद बारे आने वाले भाई हमारे एक और खालो जी की, जो राहुल कंपनी की तरफ से आता है, इसके अंदर भाई फ्री गिफ्ट इनसाइड होने वाले हैं, यानी गारंटीड कुछ ना कुछ निकलेगा, RC कार से लेकर iPod तक निकल सकता है। तो भाई देर किस बात की, हम जो 50 रुपए से लेकर 10 रुपए तक के, 200 रुपए तक के लिए जब हम पूरे पैकेट को फाड़ देते हैं, तो इसके अंदर तो फिर भी भाई इन लोगों ने जो है हमारे लिए iPod छाप रखा है, तो हम देखने वाले हैं कि क्या इसके अंदर iPod निकलेगा या नहीं। तो भाई एक तो यार हमारी सीजर की तार खराब हो जाती है ना, तो चलना ना बंद हो जाती है, क्योंकि सीजर जो पेपर कट होता है ना कि भाई प्लास्टिक। तो ये देखो ये अभी भी निकल नहीं रहा भाई, कहीं ना कहीं से अटक गया ये शायद, तो इसको दोबारा कट करते हैं। और इसके अंदर भाई कचरी बहुत सारी है, ओए भाई रे भाई साहब देख रहे हो बल्ले बल्ले होने वाली है भाई। एक गाड़ी भी दिख रही है, और ऊपर से इसके अंदर हाइलाइटर, तो देखो मतलब इतने सारे हाइलाइटर। ये देखो भाई साहब ये ड्रीम स्पेस की तरफ से आता है, जो काफी ज्यादा कूल लग रहा है। लेकिन यार एक सेकंड, इसके ऊपर हमारा एस्ट्रोनॉट का है यार, इस पे ड्रीम स्पेस तो इन लोगों ने लिख रखा है, लेकिन टिल्लू इसके ऊपर हमारा जो है ना भाई एस्ट्रोनॉट का है। तो चलो भाई कोई बात नहीं, ये बॉटल वाले हाइलाइटर है, जो ऐसा लग रहा है कि भाई ये पेप्सी वाली बॉटल हो। और इसको एक बार देखते खोल के, भाई साहब ये सारा स्नैक्स का ना ऑयल लग गया मेरे हाथ पे, खुल भी नहीं रहा है, लेकिन इसको हम अपनी ताकत से खोल देंगे। तो आप देख सकते इससे हाईलाइट करना बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन आप जब भी पढ़ोगे तब आप जैसे अपनी बुक खोलोगे तो आपकी नजर डायरेक्ट उस जगह जाएगी जहां पे आपने हाईलाइट करा था। 1, 2, 3, 4, 5 कलर के अंदर हमारे निकले भाई हाईलाइटर, वो भी बॉटल वाले, जो काफी ज्यादा प्यारा। अगर आपको ये पांचों सेट अच्छा लगा हो तो अपने नाम के आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है 5 हाईलाइटर का बॉटल वाला सेट, ताकि ये वाला जो सेट आपको गिव अवे हो सके। और अपना नाम लिखना बिल्कुल मत भूलना, और वॉल लिखना बिल्कुल मत भूलना। और दूसरी जो चीज थी ये हमारी एक डाईकास्ट वाली, जो काफी लोगों की फेवरेट थार, ये देखो ये भाई हमारी थार, जिसका कि ना गेट वगैरह भी खुलने वाला है कुछ इस तरह से। और ये कितनी ज्यादा सॉलिड लग रही है भाई, ये बड़े आराम से ना ऊंचाई पे चढ़ जाती है, ये बड़े आराम से ढलान से उतर भी जाती है, और इसको अगर हल्का सा पीछे करोगे तो ये जो है ना भाई पुल बैक बन के निकलती है। ये देखो ऐसे गोली की तरह जो है इसके टायर जाते हैं जू जू करते हैं, और पीछे भी स्टपनी पे एक एक्स्ट्रा टायर देखने के लिए मिलता है। पीछे की डिटेलिंग वगैरह भी देखोगे तो बहुत अच्छी, अंदर भाई बहुत सारी सीटें बनी है बैठने के लिए, मतलब 9-10 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। और भाई थार तो आपको पता ही है कितनी ज्यादा मजबूत होती है, तो ये बहुत ही ज्यादा सॉलिड है और बहुत प्यारी भी लग रही है। अगर आपको इस तरीके भाई थार वाली गाड़ी पसंद है मेटल वाली, तो अपने नाम के आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना थार वाली कार, ताकि ये वाली जो थार वाली गाड़ी आपको गिव अवे हो सके। तो इसके बाद देखने वाले हम अपना खालो जी एक बार फिर से, और इस बार भी हम हार नहीं मानने वाले, इस बार फिर से हमारी लड़ाई है एक iPod के लिए, क्योंकि इस बार भी हमें एक iPod तो चाहिए ही चाहिए। तो फटाफट से जो है इसको सबसे पहले हम भाई पैकेट को कट करेंगे, और इस बार दोबारा से जो है ये हमारी सीजर अटक रही है, तो लेकिन हम भी हार नहीं मानने वाले, हम भी देखने वाले कि ये इतना क्यों अटक रही है। तो इसको हमने खोल दिया और इसी की जगह पे इसको गिराने वाले हैं। भाई साहब मुझे लगा था कम से कम 2 या 3 चीजें निकलेगी, लेकिन हमारी एक ही चीज निकली, पता नहीं क्या कोई निकला है। अबे यार ये हमारे को चूना लगा देगा, ये भाई लॉन्ग पॉइंट शार्पनर लिखे हुए इसके ऊपर, शायद हमारा शार्पनर लिखा है। ये क्या भाई इतने सारे शार्पनर, भाई साहब देखने पड़ेंगे। ओहे भाई इसके अंदर एक्चुअल में बहुत सारे शार्पनर है, अब ओरिजिनल भी है ऐसे लोकल है। भाई एक तो नीचे गिर गया, इसको एक बार निकाल के देखना पड़ेगा। ओ भाई इसमें सही में अप्सरा लिखा हुआ है, क्या बात है यार, लॉन्ग पॉइंट वाले शार्पनर, वो भी अलग अलग कलर में,
कोई येलो में है, कोई देखो ब्लू के अंदर है, कोई रेड के अंदर है, तो भाई साहब क्या बात है यार, इसके अंदर टोटल 20 शार्पनर हमारे को मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोगों के पास भाई शार्पनर खत्म होने वाले तो भाई नए शार्पनर दोबारा मत लेना, क्योंकि आप लोगों को अब बचने वाले पैसे, क्योंकि ये जो आप लोगों को गिव अवे होने वाला, तो भाई जिस किसी का भी शार्पनर खत्म हो गया है तो आप लोगों को लिखना है कि भैया मेरा जो शार्पनर खत्म हो गया और मुझे पूरे साल अब शार्पनर नहीं खरीदना, तो आपको जो ये पूरे 20 शार्पनर दिए जाएंगे, ताकि आपको पूरे साल के मतलब क्यों आप लोग स्कूल जा रहे हो, आपके शार्पनर खो रहे हैं मजे ही मजे, क्योंकि आपके पास दोबारा से एक नया आ रहा है। तो जिसको भी चाहिए हो अपने नाम के आगे वॉल लिख देना, उसके आगे लिख देना अप्सरा का शार्पनर सेट, ताकि ये पूरा का पूरा 20 शार्पनर का सेट आप लोगों को गिव अवे हो सके। और अब हम लेने वाले भाई हमारा एक और भाई फ्री गिफ्ट इनसाइड के साथ आने वाला हमारा खालो जी, जिसके अंदर आईपॉड निकलने वाला है, और हम फिर से हार नहीं मानेंगे जब तक हमारे सारे पैकेट खत्म नहीं हो जाएंगे। तो भाई हम क्यों हार माने, कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए ही। और आज ना तो हमारा कोई असली का नोट निकल रहा, ना हमारा कोई नकली का नोट निकला, पता नहीं क्या हो गया, ये लोग हमसे शायद गुस्सा हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी कट कर दिया और इसकी जगह पर हम इसको डालने वाले हैं। तो यार इसके अंदर निकली हमारी एक बहुत ही प्यारी वाली गन, ये न रासकला माइंडेड थाए थाए थाए, और ये काफी ज्यादा सुपर होने वाली है, क्योंकि इसके साथ हमें मिली भाई कुछ बुलेट। अबे ये क्या मतलब, इन्होंने गन तो हमें इतनी बड़ी दे दी, लेकिन इन्होंने भाई देख रहे हो बीबीसी इतने कम दिए, 1 2 3 4 5 भाई, ये तो कंजूसियत की हद हो गई। इतनी बड़ी पन्नी में ना कम से कम काला चूरन आता था और इमली आती जो हम खाते थे, इसके अंदर इन्होंने सिर्फ 5 ही कंचे दिए। लेकिन कोई बात नहीं भाई साहब, एक हमें बंदूक तो मिली ना। तो अगर आप लोगों को भी भाई इस तरीके की गन अच्छी लगती है तो अपने नाम के आगे वाओ लिख देना, और इसके आगे आपको लिखना है बीबीज वाली मिनी गन, ताकि ये वाली मिनी गन आपको गिव अवे हो सके। तो हमने आपको बताया कि आपको क्या करना, बस अपना नाम लिखना बिल्कुल मत भूलना, और अपनी क्लास भी जरूर लिख देना, क्योंकि जो बच्चे थर्ड क्लास से ऊपर होंगे ये उन्हीं को मिलने वाली है। और अब बारी आती है हमारी हार ना मानने के लिए सबसे आखिरी वाला खालो जी, जिसके ऊपर एक राजा जी बने हुए हैं, अपने हाथ में बड़ा वाला स्नैक्स ले रखा, आरसी कार ले रखी है, और इन्होंने बोल भी रखा है फ्री गिफ्ट इनसाइड, लेकिन फिर भी राजा जी हमें कोई फ्री गिफ्ट नहीं दे रहे, बड़ा सा ये छोटा गिफ्ट था भाई, गन हमें चाहिए एक आईपॉड, ताकि हम जो है अपने बड़े आराम से म्यूजिक सुन सके फ्री पीरियड में। और इसको हम खोलने वाले हैं, या तो हमारे भाई 2000 रुपए असली वाले निकल जाओ, या फिर हमारे नकली निकल जाओ, क्योंकि अब हम जो है बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और इस पैकेट को भी हमने कट कर लिया है, और इसको गिराने वाले इसी की जगह पे। फाइनली बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है हमारा, फाइनली एक 2000 रुपए का तो निकला नहीं, लेकिन 50 रुपए का असली का नोट हमारा निकल चुका है, क्या बात है यार। अबे भाई ये क्या हुआ भाई साहब, ये तो पोपट हो गया हमारा, ये तो मनोरंजन बैंक ऑफ इंडिया का है, यानी कि अगर इसको हमने गलती से डीजे पे भी लुटा दिया तो भाई लोग हमें पकड़ के मारी मोए मोए कर देंगे, और फिर हम रोते हुए घर पे आएंगे मोए मोए भाई हमारा जो चूरन लेवल वाला नकली का नोट निकल गया। लेकिन कोई बात नहीं, इसको ना पीछे से फोल्ड करके ऐसे अपनी जेब में रख लेंगे, ताकि किसी को पता ना चले कि ये नकली का है। बाकी अगर आपको नकली का नोट पसंद है जो बिल्कुल दूर से असली जैसे लिखते, तो अपने नाम के आगे वॉल लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है 50 रुपए का नकली का नोट, ताकि ये आपको गिव अवे हो सके। और दूसरा पता नहीं क्या निकला है, ओ वाओ गाइस, ये जो है ना एक माउस है जो काफी ज्यादा बढ़िया है, और ये कंप्यूटर वाला माउस नहीं है, ये एक्चुअल में जो हम फोन चलाते हैं गेम वगैरह खेलते हैं उसके लिए, जिसका भाई आप देख भी सकते हो नाम के लॉजिटेक वगैरह लिखा हुआ है। इसको जो है ना ये वाला बटन आप दबा के रखना, और ये जो है ब्लूटूथ से आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा, जब पेयर डिवाइस हो जाए तब उसके बाद जो है इस वाले बटन से आप ओके कर सकते हो अपने फोन में, और इस वाले बटन से बैक जा सकते हो। इससे ऐसे करोगे तो रील्स नीचे आएगी, ऐसे करोगे तो रील्स ऊपर जाएगी, तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अरे यार बताना भूल गया, इसको कनेक्ट करने के लिए ना लेकिन आपको इसको खोलना होता है, जिसके बाद कुछ इस तरीके से आपको चाहिए होती है 2 AA वाली बैटरी, जल्दबाजी में उल्टी लगा दी, और इसके बाद ये आप इंफ्रारेड सेंसर देख रहे हो, यहाँ पर एक लाल लाइट जलती है, जो आप जैसे रब करोगे आप अगर खाना खा रहे हो या होमवर्क कर रहे हो तो इसको जो है धीरे धीरे चलाते रहना, और ऐसे करोगे तो आपकी वीडियो स्क्रॉल होती रहेगी, और ऐसे करोगे ओके हो जाएगा, ऐसे करोगे तो बैक हो जाएगा। तो अगर आपको ये भारी वाला माउस पसंद है जो बिल्कुल वायरलेस है, जो आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो बिल्कुल अपनी जींस की पॉकेट में डाल के, तो आपको लिखना अपना नाम, उसके आगे वाओ लिख देना, उसके आगे आपको लिखना है स्मार्टफोन वाला माउस, ताकि ये वाला जो माउस है आपको गिव अवे हो सके। तो अब बारी आती है भाई उन 15 लोगों को शाउट आउट देने की। तो ये वो 15 नाम, कृष्णा, दिव्या, मृणमोय, हसन, राजा, जपनाम सिंह, यश कुमार श्रीवास्तव, अभिनव कुमार, आरव कुमार, अनुराग, नेलचिता, रीना, आनंद रावत, भानु धानुक, सीमांता दास, हाशिम अली बुखारी। तो आज इन 15 में से किन्हीं एक को नहीं, दो को नहीं, बल्कि 3 लोगों को मिलने वाला सेलो की तरफ से आने वाला कलर आपका पूरा का पूरा सेलिब्रेशन किट का सेट, जिसके अंदर वैक्स क्रेयॉन से लेके जंबो वाली पेंसिल होने वाली जो कभी खत्म नहीं होती, जंबो वाले कलर्स होने वाले, क्ले होने वाले, स्लाइम्स होने वाले, और ये पूरी की पूरी एक्टिविटी बुक के साथ आते हैं, जिसके अंदर आप ड्रॉइंग से लेकर के आप अपने प्रोजेक्ट वगैरह सब कुछ बना सकते हो इस ग्लिटर वाले पेन से भी। और साथ ही में मिलने वाली है भाई एक मेटल वाली ज्योमेट्री बॉक्स, जो कि आप इस तरीके से चला सकते हो, और ये एक जंबो पेंसिल बॉक्स है जिसको आप इस तरीके से मेटल वाले हैंडल से खोल सकते हो, और इसके अंदर आपको ना बहुत सारा स्पेस देखने के लिए मिलता है, मतलब इतना सारा मिलता है कि इसके अंदर कलर वगैरह जो रखे हुए हैं
वो भी आप रख सकते हो, बाकी का भी सामान आप इसके अंदर रख सकते हो। इसके अंदर आपको चार लेयर मिलती है सिर्फ सामान सामान रखने के लिए, और इसको अटैची की तरह वाइज आप बड़े आराम से स्कूल में भी लेके जा सकते हो। तो वाक्य में आज जिन भी तीन लोगों को मिलने वाले उनकी काफी ज्यादा बल्ले बल्ले होने वाली है। और अगर आपको भी इनमें से जो जो सी चीजें अच्छी लगी हो तो आपको अपने नाम के आगे वॉल लिखना और उसके आगे वॉल आइटम लिख देना, ताकि वो आइटम जो आपको गिव अवे हो सके। और अगर आपको सारा का सारा अल्टीमेट वाला कलेक्शन पसंद आया स्नैक्स का, तो करे इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, करे इसको अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर। और अगर इस पर भी 2000 से ज्यादा कमेंट और 2000 से ज्यादा लोगों को शेयर करते हो, 2000 से ज्यादा लाइक आते हैं, तो ये सारा का सारा अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ स्नैक्स का कर दिया जाएगा किन्हीं 15 लोगों को शॉर्ट आउट देकर गिव अवे। तो अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल तो चैनल सब्सक्राइब, बाजू में दिखे बेल आइकन को दबाए, ताकि आने वाले जितनी हमारे लेटेस्ट वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।